अगर अल्लाह ने आपको झूठों में उतारा है तो आप कोशिश करें कि अल्लाह ने जब तक आपको एक दूसरे का साथ आपको नसीब किया है तब तक आप लोग एक दूसरे को पूरा। अस्सलामुअलैकुम, आई होप आप सब खैरियत से हैं। मेरी वीडियोस को पसंद करने के लिए, मेरी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। काफ़ी अरसे से ये रिक्वेस्ट आई थी कि मैं हस्बैंड एंड वाइफ के टॉपिक पे एक वीडियो बनाऊँ। ये रिश्ता सबसे खूबसूरत रिश्ता होता है जो अल्लाह ने दुनिया और जन्नत में दोनों रखा है। अल्लाह ने इस रिश्ते की खूबसूरती को कुरान में अलग अलग तरीके से बयान करने की कोशिश की है। कहीं कहा है कि एक मियाँ और बीवी एक दूसरे का लिबास होते हैं। कहीं अल्लाह ने कहा है कि वी शुड ट्राई टू फाइंड पीस एंड ट्रैंक्विलिटी इन ईच अदर। कहीं अल्लाह ने कहा है कि मेन आर द प्रोटेक्टर्स एंड मेंटेनर्स ऑफ वुमेन। अल्लाह ने इस रिश्ते को कुरान में कितना इम्पोर्टेंस दिया है ये हम सब जानते हैं, पर हम अपनी ज़िंदगी में इस रिश्ते को कितनी अहमियत देते हैं ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है। मैं जानती हूँ कि मैं या आप या कोई इंसान परफेक्ट नहीं होता, पर हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम हर चीज़ में अपना 100% दें। अगर अल्लाह ने हमें कोई रिश्ते में जोड़ा है तो बहुत ज़रूरी होता है कि हम उसे निभाएं, हम उसे कंप्लीट करने की कोशिश करें। और ये तब हो सकता है जब हम एक दूसरे को समझने की कोशिश करें। आजकल रिश्ते में इंसान अपनी जगह ढूंढने की बहुत कोशिश करता है और अपनी इम्पोर्टेंस कितनी है ये जानने की बहुत कोशिश करता है, पर कहीं ना कहीं हम इस चीज़ से अनजान हो जाते हैं कि जितनी इम्पोर्टेंस की ज़रूरत हमें होती है उतनी इम्पोर्टेंस सामने वाले को भी होती है। मैं इस रिश्ते में या हस्बैंड या वाइफ या किसी एक जन की बात नहीं करूँगी। जो जो पॉइंट्स मैं बोलूँगी वो मैं समझती हूँ एक हस्बैंड और वाइफ दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है समझना और अप्लाई करना अपनी लाइफ में। हम कहीं ना कहीं इस बोलते हैं ना कि जिंदगी में फिट होने के लिए ना हमेशा ज़्यादा प्रायोरिटी खुद को देते हैं। भले हम ये अगर एक औरत हो या एक मर्द हो इससे फ़र्क नहीं पड़ता। औरत को ऐसा लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा कर रही हूँ, मैं बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रही हूँ कोई रिलेशनशिप में, और सेम वे मर्द को भी ऐसा लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना अपने इमोशंस फाइनेंशियली या हर चीज़ बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा हूँ और क्या मुझे वो रिटर्न में मिल रहा है कि नहीं। हम खुद का इन्वेस्ट इतना सोचते हैं कि हमने अपना कितना परसेंट दिया है कि हम सामने वाले का दिया हुआ समझ नहीं पाते या देख नहीं पाते या देखकर अनजान बन जाते। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अगर पहली चीज़ हस्बैंड एंड वाइफ के रिलेशनशिप में अगर है तो रिस्पेक्ट है और अंडरस्टैंडिंग है। एक दूसरे की इज्जत सबसे ज़्यादा हमें करनी है तब दुनिया करेगी। एक कहते हैं ना एक आदमी अपनी अपनी खुद की वाइफ को जितनी इज्जत देगा उतनी वो एक्सपेक्ट कर सकता है कि सोसाइटी उसे इज्जत दे, एंड वाइस वर्सा एक वाइफ अपने हस्बैंड को जितनी इम्पोर्टेंस देगी दुनिया भी उसकी इतनी ही कदर करेगी और इम्पोर्टेंस करेगी। देखिए हम जानते हैं कि कमियां और खूबियां हर इंसान में होती है, पर अल्लाह ने जब ये कहा कि हस्बैंड एंड वाइफ एक दूसरे का लिबास है उसका ये मायना था कि हमें अपने हस्बैंड या हमें अपनी वाइफ की कहते हैं ना खामियों को पर पर्दा करना है, हमें उसे जाहिर नहीं करना होता। कभी कभी हम गलतियां कर लेते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि अगर वो एक इंसान है जो मुझे समझेगा तो वो अपना हस्बैंड या अपने वाइफ होते हैं। ये दो शख्स को अल्लाह ने इतना करीब बनाया है, हमें अल्लाह ने उतारा ही बोलते हैं ना जोड़ियों में है, तो हमें बहुत ज़रूरी है कि हम एक दूसरे की कदर करें, हम एक दूसरे की कमियों पर पर्दा करें। और दूसरी बात बहुत इम्पॉर्टेंट होता है ये समझना कि हर एक इंसान को एक दूसरे की ज़रूरत होती है। अगर आपको आपके हस्बैंड की ज़रूरत है तो आप ये कभी मत भूलेगा कि आपके हस्बैंड को भी आपकी उतनी ही ज़रूरत है। ये रिश्ता एक हाथ से या बोलते हैं ना एक पैडल पे नहीं चल सकता, इसमें दोनों लोगों की ज़रूरत होती है और दोनों लोगों के इक्वल अमाउंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड इक्वल अमाउंट ऑफ रिस्पेक्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। बहुत बोलते हैं ना बहुत मुश्किल होता है कि एक रिलेशनशिप को एंड कर दो और एक रिलेशनशिप को जैसा चल रहा है ऐसे चलने दो, पर मुश्किल क्या होता है कि हम उस रिलेशनशिप को अच्छे से और एक दूसरे की खुशी को समझकर एक दूसरे को खुश रखकर उस चीज़ को निभाए। वो खूबसूरत भी होता है और थोड़ा सा मुश्किल भी होता है, पर अगर
आप कोई चीज में बंध चुके हैं, अगर आप निकाह में बंध चुके हैं, तो प्लीज आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि उस चीज को कम्प्लीटली निभाने की कोशिश करें। अगर कोई पर्सन डिफिकल्ट है तो हमेशा ये बात याद रखिए कि ये उसका मुश्किल वक्त है। हो सकता है आपके साथ से उसका ये वक्त भी गुजर जाए, हो सकता है अगर आप उसका आज साथ देंगे तो अल्लाह न जाने कब आपकी आपका जो कभी वक्त आएगा जब आपको ज़रूरत होगी, आपका वो हमसफ़र आपके लिए हमेशा रहेगा। हमें एक दूसरे की कदर करनी होगी और हमें एक दूसरे को दीन के रास्ते में रखना होगा और हमें उस तरह रहना होगा एक दूसरे के साथ जैसे अल्लाह ने कुरान में बताया है। अल्लाह ने बड़ी खूबसूरती से बताया है कि एक हस्बैंड एंड वाइफ को किस तरीके से रहना चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह हम मुस्लिम्स के पास बहुत अच्छे एग्जांपल्स है कि एक मैरिड कपल को कैसे होना चाहिए। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आयशा रदी अल्लाह अन्हा के रिश्ते के एक बहुत बड़ा एग्जांपल है। फिर हज़रत अली और फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा का रिश्ता, उनकी भी जो लाइफ की कहानियाँ हैं उसमें भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिससे हम सीख सकते हैं कि एक हस्बैंड एंड वाइफ को एक दूसरे के साथ किस तरह रहना है। अगर अल्लाह ने आपको जोड़ों में उतारा है तो आप कोशिश करें कि अल्लाह ने जब तक आप एक दूसरे का साथ आपको नसीब किया है तब तक आप लोग एक दूसरे को पूरा अपना 100% रिस्पेक्ट, अंडरस्टैंडिंग और टाइम देने की कोशिश कीजिए। क्योंकि अगर आपके साथ लास्ट तक पूरे सफ़र में कोई रहने वाला है तो वो आपका हमसफ़र है। इसके लिए कोशिश करें कि आप लोग एक दूसरे का साथ अच्छी तरह निभाएं, क्योंकि ये एक्सपेक्टेशन अल्लाह भी हमसे रखते हैं। इंशाल्लाह अगर आप चाहते हैं कि मैं और कोई टॉपिक पे वीडियो बताऊं तो ज़रूर मुझे YouTube या Instagram पे बताना। आप जानते हैं कि मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के कमेंट्स रीड करके, और मैं काफ़ी कहते हैं ना काफ़ी मुझे इंस्पिरेशन में और मोटिवेशन मिलती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।